यस छात्रों, लास्ट क्लास में मैंने आपको संवेग के बारे में बताया था। न्यूटन का द्वितीय नियम अपन कर रहे थे, तो न्यूटन के द्वितीय नियम में ही एक टर्म आती है जिसको मैं बोल देता हूँ आवेग। इसको बोलता हूँ मैं इंग्लिश में इम्पल्स। तो देखिए, संवेग P बराबर कितना आता है mv, ये मैंने संवेग निकाला था। फिर मैंने बल F को लिया था, F बराबर डेल P अपॉन डेल T, ये आ रहा था। ठीक है, मैं यहाँ पर देखूँ तो F इंटू, तो ये कितने के इक्वल है, डेल पी। यहां पर ये क्वांटिटी क्या कहलाती है, संवेग में परिवर्तन। और यहां पर ये वाली क्वांटिटी देखिए, एफ इंटू डेल टी लिखा हुआ है, इसी क्वांटिटी को मैं क्या बोल देता हूँ, आवेग बोल देता हूँ। ठीक, तो आवेग मेरे पास हो जाता है, आवेग बराबर एफ डॉट डेल टी। ठीक, अब ये कितने के इक्वल है, ये डेल पी के इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया, संवेग में परिवर्तन दो प्रकार से होता है। नंबर वन, बल परिवर्तित कर, दूसरा समय को परिवर्तित कर। ठीक, संवेग में परिवर्तन क्या हो गया, वस्तु के वेग में परिवर्तन करना। अब वस्तु के वेग में परिवर्तन हम दो टाइप से यहां पर लेके चल रहे हैं, या तो बल के मान को बढ़ा दें, या बल के मान को परिवर्तित कर दें, या समय के मान को परिवर्तित कर दें। तो वस्तु के संवेग में यहाँ पर परिवर्तन होता है, और यही क्वांटिटी मेरे पास एफ इंटू डेल टी आवेग कहलाने लगती है। तो देखिए, मैं यहाँ पर आवेग को डिफाइन कर लेता हूँ। आवेग यह है लगने वाले बल एफ तथा सूक्ष्म समय अंतराल के मान के गुणन फल के बराबर होती है। इसलिए आवेग बराबर एफ इंटू डेल टी, ये इन दोनों के मान के गुणनफल के बराबर होती है। इसका उदाहरण हमारे पास क्या है, देखिए, जब क्रिकेटर कैच लेता है तो बॉल को
हाथ में लेने के बाद पीछे खींचता है। ऐसा इसलिए करता है क्योंकि जैसे ही वो हाथ को पीछे करता है तो उसका समय अंतराल बढ़ जाता है और लगने वाला इम्पल्स या बल का मान कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। तो उदाहरण मेरे पास क्या है, कैच लेते समय, कैच लेते समय क्रिकेटर अपने हाथ को अपने हाथ को पीछे खींच लेता है क्योंकि इससे जैसे ही खींचेगा तो लगने वाले समय, इससे समय अंतराल बढ़ जाता है और बल कम लगता है। ठीक है, तो ये मेरे पास इस आवेग का मतलब होता है। अब देखिए, सिद्ध कीजिए कि एफ इंटू डेल टी आवेग बराबर संवेग में परिवर्तन। ठीक, देखिए आपको क्या मालूम है, चूंकि गति के द्वितीय नियम से F बराबर कितना आता है, डेल पी अपॉन डेल टी किया जाता है, इसलिए F इंटू डेल टी बराबर डेल पी। इस डेल पी को हम क्या बोल देते हैं, संवेग में परिवर्तन। ये मेरे पास इसका रिजल्ट आ जाता है। तो आपके पास क्या आ जाता है, आवेग बराबर संवेग में परिवर्तन की दर के मान के बराबर हो जाता है। ठीक है, संवेग के हम एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर लेकर चल रहे हैं जिसको हम क्या बोल देते हैं, मैं यहाँ पर इसको लेके चलता हूँ, संवेग संरक्षण का नियम। तो देखिए क्या होता है, अगर कोई वस्तु चलती जा रही है चलती जा रही है, उसके ऊपर बाह्य बल नहीं लगाता हूं, तो वस्तु का कुल संवेग क्या होता है, एक सा बना रहता है, यानी वस्तु उस वेग से लगातार बढ़ती रहती है। इसको हम क्या बोल देते हैं, संवेग संरक्षण का नियम बोल देते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, यदि किसी वस्तु पर लगने वाला बाह्य
बल अनुपस्थित है, अनुपस्थित या शून्य है तो वस्तु का कुल संवेग संरक्षित रहता है। इसका मतलब क्या है? अगर कोई वस्तु के ऊपर हम बाह्य बल नहीं लगा रहे हैं तो वस्तु अगर स्थिर है तो स्थिर रहेगी, और गतिशील है तो गतिशील रहेगी, और उसमें अगर अपन द्रव्यमान का गुणा कर दें तो संवेग का मान कैसा हो जाएगा? अचर हो जाएगा। तो आपको ये भी मालूम है, एफ बराबर, एफ बराबर मेरे पास कितने के आता है? डीपी अपॉन डीटी। ठीक, यदि एफ बराबर 0 तो देखिए, तो डीपी अपॉन डीटी बराबर 0। ठीक, ये डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कैसा होता है? 0 होता है, इसलिए हम ये मान लेते हैं पी इक्वल टू कांस्टेंट, यानी ये अचर हो गया। ठीक है, यानी अगर बाह्य बल यदि एफ एक्सटर्नल बराबर 0 तो पी अचर होता है। ठीक है, इसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है, ये आपका संवेग संरक्षण का